गुड मॉर्निंग बच्चों, कल मैंने आपको आपके हिंदी की बुक मंथन से पार्ट 9 बादल का अंतर बरस रहा कविता का कुछ भाग पढ़ाया था और कुछ भाग बच गया था। कल मैंने आपको बताया था कि जब बारिश होती है तो चारों तरफ वातावरण अच्छा हो जाता है, हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है, लेकिन कुछ पशु पक्षियों को उसका नुकसान भी होता है। उन्हें अपने आश्रय के लिए इधर से उधर भटकना पड़ता है। ये तो पशु पक्षियों की बात हुई, अब कुछ लोगों को भी, इंसानों को भी इस बारिश से नुकसान यानी उसका दुख होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं कि कैसे। जब भौरा मदमस्त होकर अपने युवावस्था की खुशियों को लेकर इधर से उधर झूमता है, लेकिन उसे क्या पता कि पर क्या मालूम उसे जन्मे कितनों का उर्मरु बिरस रहा। मतलब इसका अर्थ है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके प्रियजन उनसे दूर रहते हैं, तो उनका हृदय उस मरुस्थल के समान है जो सूखा रह जाता है। अपने प्रियजनों की कुशलता का पता न चलना और स्वयं बरसात से में होने वाले कष्टों का सामना करने के कारण वर्षा ऋतु को नीरस और कष्टकर भी मानते हैं। यानी उस वर्षा ऋतु को वो पूछते हैं कि क्यों आया, कष्ट उन्हें होता है इस वजह से कि उनके जो प्रियजन हैं उनसे दूर हैं और उनका समाचार भी उन्हें नहीं मिलता, तो इस वजह से वो कष्ट होता है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घरों में अकेले होते हैं, कोई मिट्टी के घरों में होते हैं, तो जब बारिश होती है तो मिट्टी के घरों में पानी चुने लगता है और उनके यहाँ के उनके प्रियजन बाहर पैसे कमाने के लिए दूर जाते हैं, तो उस स्थिति में उस बारिश की वजह से उन्हें कितना कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए उस समय उस बरसात को वो कोसते हैं और नीरस और उसे कष्टकर मानते हैं। फिर है उसके मानस में जगा रही पर कितनी प्यास और पीड़ा। मतलब उस समय उन लोगों के मन में कितनी प्यास और कितना दर्द है ये हम नहीं बता सकते, ये वो भौरा नहीं जान सकता, क्योंकि वो तो अपने यौवन की खुशियों में अपने मदमस्त होकर बरसात से झूम रहा है। उसे क्या पता कि कितने लोगों के मन में प्यास और दर्द भरा है। वह बिरही चाकर बेचारा जो एक बूंद को तरस रहा, बादल का अंतर बरस रहा। चाकर एक पक्षी का नाम है, एक पक्षी होता है चाकर। चाकर का मन बिरस रहा, मतलब इसका अर्थ है वह बिरही चाकर बेचारा जो एक बूंद को तरस रहा। इसका अर्थ है कि चारों ओर जब बरसात का पानी होता है और बरसात होने लगती है, बरसात का पानी चारों ओर भरा रहता है, फिर भी वो चातक पक्षी जो है स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा का जल प्राप्त नहीं कर पाता है, उसे वो जल नहीं प्राप्त हो पाता है। इसलिए वह प्यासा और पीड़ा को झेलता हुआ पानी की एक एक बूंद को तरसता है। जो चातक जो है वो स्वाति नक्षत्र में होने वाले वर्षा को वो अनुभव ही नहीं कर पाता, वो उसकी वर्षा के जल को नहीं प्राप्त कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो किसी और ही जगह किसी और ही काम में लगा रहता है उस समय, इसीलिए वो इतना बरसात होने के बाद भी वो एक एक बूंद के लिए तरस जाता है। इस तरह से इस बरसात का कहीं फायदा तो कहीं नुकसान भी है। एक और जहाँ पशु पक्षी परेशान होते हैं अपने आश्रय को लेकर, वहीं कुछ लोग भी बरसात की वजह से परेशान होते हैं। बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा गांवों में कि मिट्टी के मकान होते हैं, जब बारिश होती है तो उस समय उस मकान में कितने कष्ट होते हैं जो वहां रहता है वही बता सकता है, क्योंकि उस समय जब मिट्टी के घर जो होते हैं वो कपड़े से छाए हुए रहते हैं, जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी
जरूर छूता है, पानी उसमें से छूने लगते हैं। और उस घर के लोग बाहर पैसे कमाने के लिए जब निकल जाते हैं तो उस समय उस घर में रहने वाले लोगों की क्या मनोदशा होती होगी आप समझ सकते हैं। तो ये बरसात उनके लिए उतना ही कष्टकर है जितना कि पशु पक्षियों के लिए। तो इस कविता को आप पढ़िएगा और समझिएगा। धन्यवाद।